आपने क्या क्या सीखा, या आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है या कुछ निगेटिव पॉइंट्स है शो में, तो आप कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना? अब इससे ये समझ आता है कि सिद्धार्थ जी ने फोन तो कट कर दिया और उन्होंने रावण से यही सीखा। हाय, मेरा नाम है ऋषभ। और मेरा नाम है मोनिका। आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा महान, बुद्धिमान और महाज्ञानी पंडित था, लेकिन स्टिल उसने वही गलतियां की जो शायद इतना बड़ा ज्ञानी कभी नहीं करता। तो आप समझ ही गए होंगे हम बात किसकी करने वाले हैं आज, रावण। और कुकू एफएम पर हमारा एक शो है जिसका नाम है रावण, अ डिवोटी और अ डेमन। और इसीलिए आज हम कॉल लगाएंगे अपने लिसनर्स को और जानेंगे उनके रिव्यूज। वैसे तुम्हें क्या लगता है, लोग पॉजिटिव बातें बोलने वाले या नेगेटिव? जिन्होंने शो को अच्छे से सुना है वो ऑब्वियसली रावण की पॉजिटिव साइड को भी जान पहचान जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यार पॉजिटिव तो कोई नहीं, लेकिन नेगेटिव बोलने वाले बहुत सारे होने वाले हैं। देखते हैं कौन जीतता है, ऋषभ या फिर मैं, डिवोटी या फिर डीमन। चलो कॉल लगाते हैं। हेलो। हाँ। मेरी बात सुमित जी से हो रही है? आप कौन बोल रहे हैं? सुमित जी, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ कुकू एफएम से। जी सर, बताएं सर। सर आपने हमारा एक शो सुना था, रावण अ डिवोटी और अ डेमन। मैं ये नहीं, मैं सारे शो सुनता हूँ आपके। अरे वाह, क्या बात, चैनल है आपका। थैंक यू। लेकिन आप बताइए, जिसने भी इनिशिएट किया है ना इस चैनल को, मैं तो सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। जितने भी लोग हैं सबको बोलता हूँ, मैं, मेरी वाइफ, सब लोग, हम लोग बहुत बड़े फैन हैं आप लोगों के, कुकू एफएम के। अरे शुक्र। मैं रिसेंटली सुन रहा हूँ आपका ये यमराज। अरे वाह, अच्छा। मैं आपसे बस यही जानना चाहता था कि आपने जो हमारा ये शो सुना होगा डिवोटी और डेमन, आपको क्या लगता है, मतलब ये शो सुन के आपका क्या फीडबैक है? मतलब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं कान में लगा करके बस में बैठ जाता हूँ, चलिए ठीक है आधा घंटा वो हो गया, फिर ऑफिस में कोई काम करता हूँ, छोटा हेडफोन लगा के, हाँ, एक कान में लगा हुआ है, वो भी सुन रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ साथ साथ में, वो इट्स अ वेरी गुड नाइस थिंग। इसमें मुझे क्या है, अपना टीवी का आवर्स, स्क्रीन टाइम कम हो गया है, हाँ, और ऑडियबल बुक है द सीक्रेट ऑफ योगा, पूरा सुन लिया मैंने आपका, चार योग। हाँ, द सीक्रेट्स ऑफ फोर युगास, वो योग सुन ली, हिस्ट्री ऑफ सेवन इमॉर्टल्स सुन ली मैंने, चारों सातों का। अरे वाह, मतलब मैं फैन हूँ, मतलब हर चीज आपका, अभी मैं कुछ ना कुछ चलाता रहता हूँ देखने के लिए, सुनने के लिए। ठीक है, तो लेकिन सर आपसे मैंने वापस से पूछना चाहूंगा, जो हमारा शो है रावण, इसका आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? मार्वेलस, मैंने उसमें लिखा भी था, आई थिंक द डिवोटी और डीमन, काफी दिन तक मतलब मैं बहुत प्रभावित रहा इनसे, आपके रावण से। अच्छा। और उसके अंदर मैं एक दो हैं आपके शो, एक, हाँ, तो डिवोटी और डीमन वाला रावण है, हाँ, और एक और है रावण का रावण आकर के है। जी जी जी। तो उसमें उसे पॉजिटिव उसमें दिखाया, कैरेक्टर में दिखाया गया है, और ये वाले के अंदर में इसका नेगेटिव एस्पेक्ट को बाहर निकाला है, हाँ, कि विमेंस के लिए ऐसा था, हाँ, 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 तो दोनों मैंने शो को कंपैरिजन किया और दोनों ही अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है कि नेगेटिव साइड ज्यादा बेटर थी या पॉजिटिव साइड? पॉजिटिव साइड ज्यादा बेटर थी, हर इंसान को वैसा बनना चाहिए, अगर आपको शिव को प्रसन्न करना है या कहीं भी स्पिरिचुअल जिससे भी आप रिलेटेड करते हैं उनको अगर आपको करना है तो आपको बनना ऐसा ही पड़ेगा कि आप बुरे हैं तो 100% बुरे रहिए, बीच में मत रहिए। अगर आपको राम से दुश्मनी लेनी है, हाँ, तो पूरी तरह से दुश्मन बन के ही रहिए ताकि आपका पक्ष क्लियर हो, ये बहुत बड़ी सीख है। ऐसा नहीं है कि मैं इनके साथ भी रह लूं उनके साथ रह लूं, जैसे कि आजकल के कलयुग के अंदर चल रहा है जी लोग करते हैं, तो वैसा नहीं हो। बाकी रावण और डिवोटी के अंदर में उनको अपनी गलतियों से सीखा नहीं उसने, रावण ने, और जो है, हाँ, अपने अहंकार के अंदर में एंड तक रहा वो, तो ठीक, ये उसकी पतन का कारण बना, वरना उस जैसा महाज्ञानी दुनिया में कोई नहीं। आप दूसरों को भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये शो सुने? मैंने अपने कलीग्स वगैरह सबको मैंने अपने लिंक शेयर किया है यहाँ से इनवाइट वाले ऑप्शन में जाके, हाँ, कि लो इस लिंक से आप भी जाओ, आप भी करो इसके अंदर में, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड और आई एम हैप्पी कस्टमर ऑफ दिस, और ये कभी और सब्सक्रिप्शन आ गए और बढ़ेगा ना तो मैं वो भी लूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू सर। सेम है सर, सेम है। ओके सर। तो यार इनसे तो पॉजिटिव फीडबैक मिला, कॉल हुई कट, और इसी के साथ में मेरा एक पॉइंट बन चुका है। अब हम सेकंड कॉलर पे जाएंगे। लेकिन सच बताऊं मुझे मतलब इन लिसनर का फीडबैक बहुत पसंद आया, मुझे लगा कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है, मतलब कोई जब कुकू एफएम को ऐसे प्रेज करता है, इतना अप्रिशिएट करता है, तो मुझे लगता है कि यार प्राउड फील होता है कि हम भी इस कंपनी का एक पार्ट है और इस कॉन्टेंट का एक पार्ट है। नमस्ते सर। नमस्ते। दीपक जी बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। सर मैं मोनिका बात कर रही हूँ कुकू एफएम से। अच्छा। सर आपने अभी हमारा एक शो सुना है रावण डिवोटी और अ डीमन,
तो उस शो को सुनने के बाद में आपका क्या फीडबैक है? आप किस इसमें जैसे नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात हुई है, तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? क्या आपको सीख मिली? क्या आपका फीडबैक रहेगा उसके बारे में? यही कहूंगा कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा पंडित भी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था जी। और प्लस ये भी देखा जाए तो अपने रिश्तेदारी भी ढंग से निभाता था। बहन के कहने पे उसने अपनी जान दांव पे लगा दी जी सर। मैं एक तरह से पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूँ, मैं तो नेगेटिव लेके नहीं चल रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव तो लोग अपने हिसाब से लेते हैं ना जी सर। उसने तो अपना फर्ज निभाया, अपनी बहन के कहने पे गया, नहीं तो उसको कोई शौक नहीं था कि वो जाए उसके पास जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ये फीडबैक हमको दिया, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है अब हम आगे कॉल किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से हार रहा हूँ और सबके सब रावण से इन्फ्लुएंस है। मुझे तो लगता है इन सबको दशहरे में ले जाओ और रावण के साथ खड़ा कर दो। अब हम कॉल करने जा रहे हैं कर्णिका जी को जो कि लखनऊ से हैं। कर्णिका जी, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ कुकू एफएम से। आपने हमारी ऐप पे एक शो सुना रावण अ डिवोटी और अ डीमन। हाँ जी हाँ जी सुना। ये शो आपको कैसा लगा, बस ये जानने के लिए हमने कॉल किया मैम आपको। ये शो बेसिकली मुझे शो में कुछ खास लगा नहीं क्योंकि मुझे लगता है शो के आसपास कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि रावण ने सब कुछ इतना गलत ही गलत किया शुरू से लेकर के एंड तक। तो उसको कोई फॉलो तो करना चाहेगा नहीं कि उसका शो सुन करके हम अपनी लाइफ में उसको कुछ इम्प्लीमेंट कर सके और फॉलो करें। लेकिन मैम जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट्स थे मतलब शो में और निगेटिव पॉइंट्स भी थे, तो आपको निगेटिव पॉइंट्स ऐसे कौन से लगे जो आपको लगता है कि यार मतलब बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए? नेगेटिव पॉइंट्स की क्या बात करें और पॉजिटिव की क्या करें, ज्यादातर तो सब नेगेटिव ही किया। जैसे उन्होंने सबसे पहले तो मंदोदरी के साथ ही गलत किया, रंभा के साथ गलत किया, फिर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सीता जी के साथ गलत किया, अपने खुद के भाई विभीषण के साथ गलत किया, और अपना एक छोटी सी चीज को लेकर के अपने हट को लेकर के उन्होंने इतनी जिद ठान ली कि अपना का पूरा खानदान खत्म कर लिया। तो सब कुछ ही गलत किया, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी पॉजिटिव वैसा था कि हम फॉलो कर सके। और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो मतलब रावण के पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके बोलते हैं कि हाँ नहीं होंगी एक दो बुराइयां लेकिन 100 अच्छाइयां भी तो थी? तो भाई वो तो श्रीलंका से बिलोंग करते होंगे मुझे तो नहीं लगता हाँ कि कोई यहाँ पर ऐसा है जो उन्हें ऐसा पॉजिटिवली फॉलो करता है। क्या जवाब दिया, शुक्रिया शुक्रिया कर्णिका जी आपको, आपने जो टाइम दिया मुझे। ओके थैंक यू। तो कैसा लग रहा है अपना पॉइंट बढ़ाकर? अच्छा लग रहा है, लखनऊ वालों ने इज्जत बचा ली और हमको श्रीलंकन बना दिया इनका टिकट काटते हैं तुरंत अब हम नेक्स्ट कॉल करने जा रहे हैं राहुल को कानपुर से। नाम तो सुना ही होगा देखते हैं राहुल जी किसका साइड लेते हैं। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते, कौन? राहुल जी बात कर रहे हैं जी। बात कर रहे हैं आप कौन? सर मैं मोनिका बात कर रही हूँ कुकू एफएम से। जी बताइए। सर आपने रिसेंटली ना एक शो सुना है रावण अ डिवोटी और अ डीमन जी, तो क्या फीडबैक है आपका उस शो के लिए? आप क्या पॉजिटिव और उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस शो के बारे में अच्छी चीजें हैं मेरे पास और कुछ खराब भी चीजें हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं। जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे कानपुर में ही रावण का मंदिर है, दशानन मंदिर है जी। ये पता चला तब मैं वहाँ गया, अभी दशहरा आ रहा है तो वहाँ पे उसकी पूजा होगी, साल में एक ही दिन खुलता है वो मंदिर जी। तो क्यों होती है पूजा? पूजा रावण की पंडिताई की होती है मैडम। अच्छा। तो माना जाता है ना कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था। वो मंदिर शंकर जी का है, वहाँ पे शंकर जी के रक्षक के रूप में रावण को बैठाया गया है जी। तो उसी उसकी पूजा होती है कि रावण ज्ञानी था, सुबह उसकी पूजा होती है फिर शाम को रावण जलाया जाता है, जलाया जाता है जी। बाकी आप शो को लेकर और क्या कहेंगे कि आपने जो शो सुना आपको कैसा लगा उसको सुनकर? शो सुन के तो हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए शो को सुन के हमको कबीर दास का वो याद आ जाता है कि
कबीरदास कहते हैं ना कि एक लख पूछा वालक नाती तारावन घर दिया नवाती। रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन उसका अहंकार उसको ले डूबा जी। इस तो से हमको पता चला कि रावण के पेट में जो राम जी ने बाढ़ मारा था वो अग्नि बाढ़ था। हम तो अभी तक उसको ब्रह्मास्त्र समझते थे कि राम जी ने ब्रह्मास्त्र मार दिया था जी। फिर पता चला कि एक बार रावण शंकर जी को ले जा रहा था श्रीलंका की, चलो भैया वहीं बैठना जी। फिर विष्णु जी ने उनको रोका। इससे बहुत अच्छी चीज हमको पता चली, सो से बहुत अच्छा सो बनाएंगे आप लोग जी। सर थैंक यू सो मच सर आपका ये फीडबैक जो हमको मिला। थैंक यू, बनाती रहिए इसी तरह, अच्छा अच्छा कुछ और बनाइए नया। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भैया ऐसा है कि रावण के बारे में जो इन्होंने कहा वो भी मुझे लगता है कि वो पॉइंट भी जाएगा तुम्हारे पाले में। मेरे जैसा कि इन्होंने कहा कि रावण की लाख अच्छाइयाँ थी लेकिन उसकी पावर उसके अहंकार की वजह से वो सारी अच्छाइयाँ चूल्हे में चली गई। अब हम कॉल करने जा रहे हैं अपने अगले लिसनर को जिनका नाम है सिद्धार्थ चौधरी। हेलो। हेलो, मेरी बात सिद्धार्थ से हो रही है? हाँ जी। सिद्धार्थ मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ कुकू एफएम से। सिद्धार्थ आपने हमारी ऐप पर एक शो सुना है जिसका नाम है रावण डिवोटी और अ डीमन, आपने सुना है ये शो? हाँ जी। कैसा लगा आपको ये शो? जी अच्छा था। अच्छा, आपने क्या क्या सीखा या आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है या कुछ निगेटिव पॉइंट्स है शो में, तो आप कुछ बताना चाहेंगे शेयर करना? अब इससे ये समझ आता है कि सिद्धार्थ जी ने फोन तो कट कर दिया और उन्होंने रावण से यही सीखा कि भाई शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उनके पास पावर थी फोन कट करने की और उन्होंने फोन कट कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया जाओ। तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ का जो पॉइंट है वो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब कॉल करते हैं अपने नेक्स्ट लिसनर को जिनका नाम है चीकू। मे बी ये विराट कोहली हो सकते हैं। मेरी बात चीकू से हो रही है? हाँ जी। चीकू मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ कुकू एफएम से। हाँ जी। चीकू अच्छा आपका रियल नेम यही है या ये निकनेम है आपका? नहीं मेरा निकनेम है, मेरा नाम सरिता है। सरिता? हाँ जी। अच्छा ओके सरिता जी, मैं मतलब हमारे पास आपका जो डिटेल्स है उसमें चीकू नाम था आपका। ओके। अच्छा तो सरिता जी मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ कुकू एफएम से। आपने हमारी ऐप पर एक शो सुना अ डिवोटी और अ डीमन रावण जी। तो मैंने बस यही जानने के लिए कॉल किया कि आपका इस शो को लेकर क्या फीडबैक है, आपको ये शो कैसा लगा? अच्छा लगा, तभी मैंने लाइक काफी बार ही सुना है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है उनसे। अच्छा, और लाइफ एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे शो में रावण की बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई गई और साथ साथ रावण की बहुत सारी निगेटिव बातें भी बताई गई, तो आप को मतलब आप अपनी लाइफ में मतलब आपने जैसे शो सुना तो आप किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई, जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे या नेगेटिव पॉइंट्स थे? मैं मोस्टली पॉजिटिव पॉइंट्स से इन्फ्लुएंस हुई, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे थे कि हाँ वो उसकी जगह शायद ठीक होगा बट नहीं, बट मोस्टली जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो ज्यादा अच्छे थे उसमें। अच्छा, तो मतलब आप मुझे लगता है रावण के जो जो भी पॉजिटिव चीजें थी उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगी? बिल्कुल। अरे करना पड़ेगा यार, ठीक है उसने कुछ चीजें गलत की क्योंकि उसको अहंकार था। हाँ। बट अगर देखा जाए तो वो भी गलत नहीं था क्योंकि उसने उसको सब चीजों का इतना नॉलेज था, उसने मतलब उसको ऐसे ही ब्राह्मणों में बहुत बड़ा नाम दिया जाता है, तो ऐसे ही तो नहीं था रावण। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। ओके बाय 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 बाय। तो यहाँ पर भी पॉइंट मोनिका को जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब मैं तो मतलब उसमें फंस गया हूँ कि यार अपनी ऐप की तो तारीफ हो रही है लेकिन मैं हार रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट कॉल लगाने जा रहे हैं रविंदर जी को, देखते हैं कौन जीता है, ऋषभ या मैं। पता नहीं मुझे ऐसी वाइब आ रही कि ये इन्हें मतलब निगेटिव पॉइंट ज्यादा पसंद आए होंगे, देखते हैं कोई एक तो मिले। सर मैं मोनिका बात कर रही हूँ कुकू एफएम से। जी नमस्ते मोनिका जी। सर आप ये बता सकते हैं पहले कि किस शहर से बात कर रहे हैं आप? जी हम छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं। ये छिंदवाड़ा कहाँ पर है? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा सर, एक्चुअली मैंने आपको कॉल किया है कि आपने एक शो सुना होगा रावण डिवोटी और अ डीमन,
रावण का जो सुना मैंने तो उसमें बहुत सारा रावण के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं उतनी अच्छी भी नहीं है उसकी छवि जी। रावण का जो है तो आपको पता ही है, अब आपके पास अगर इतनी ताकत मिल जाए जी और अगर आप उस ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे तो फिर क्या काम की वो ताकत जी। सही बात है। हम ये कहते हैं कि ताकत अगर मिली है तो उसका इस्तेमाल करिए सही जगह पर जी। अब मोदी जी जो है सुबह 4 बजे उठ जाते हैं जी, अच्छा काम कर रहे हैं सब जगह, तो वो अपने ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अरे तुम्हारे अंदर 1,00,000 अच्छाइयां हो जी, और तुम काम करो गधों वाली जी, तो कोई मतलब नहीं है ना उसका जी सर। अब हमारे यहाँ पे रामलीला होता है जी। अब रामलीला एक बार ही हो रहा था, उसमें क्या हुआ, 2 भाई थे, क्या हुआ, एक रावण बना था, दूसरा विभीषण बना था जी। तो रावण जो बना था उसने अपने विभीषण को कुछ तो ऐसे नाटक में डांट दिया, भारी सभा भारी रामलीला में दोनों लड़ पड़े, मारा मारी खूनम खून कर दिया सभा में। अरे बेहुदे, जब तुम्हें मौका मिला है रावण का रोल करने का तो इसमें ये सब क्यों करना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर रावण के पास इतनी ही ताकत थी जी, तो उसको सही जगह पे इस्तेमाल करिए। बिल्कुल सर सही है। बाकी तो जय श्री राम वाले हैं हम लोग, रावण वावन पे उतना नहीं है हम लोग का। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ये इतना अच्छा फीडबैक दिया हमको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और राम पे बनाइए शो, आप राम के उस पे बनाइए और भी ज्यादा। सो बहुत जल्द आपको राम पर भी शो मिलेगा हमारे ऐप पर, सुनते रहिए हमारे ऐप को जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच सर। ओके रविंदर जी की कॉल, कैसा लग रहा है तुमको जीत कर? सीना चौड़ा हो गया रविंदर जी के कॉल सुनकर, ऐसा लगा बस एक कॉल ऐसी और मिल जाए तो थोड़ा सुकून की नींद सो पाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये सपने हैं तुम्हारे और सपने ही रहेंगे। नितिन जी मेरा नाम ऋषभ है, मैं कुकू एफएम से बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, आपने हमारा एक शो सुना है रावण करके, अ डिवोटी और अ डीमन। ओके, आपने ये शो सुना था तो हम यही चाहते हैं कि इसका फीडबैक क्या, आपको ये शो सुनकर कैसा लगा? बहुत बेहतर, बहुत ऑसम। अच्छा, ये काफी पसंद आया। अच्छा, लिटरली कुकू एफएम के जितने भी ऑडियो है हाँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ, देखता भी हूँ। आई रियली अप्रिशिएट अबाउट दैट, ये काफी बढ़िया है। अरे वाह, वैसे शो में ना रावण के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट बताए गए थे, बहुत और काफी नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए गए थे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब रावण को हमें एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए या नेगेटिव वे में लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, देखा जाए तो इसमें मेरी वे कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी इंसान था हाँ। और कैसा, देखो जैसे उसको प्रेजेंट किया गया है या तो फिर रामायण में कह लो या राइट नाउ हाँ, वो बेचारा उसकी सिचुएशन उसने ऐसी कर ली हाँ, बिगड़ा हाँ, कि वो काफी अच्छा था, बेहतर ही है, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। अच्छा मतलब हाँ, लेकिन मतलब स्टिल मतलब एक अगर मैं आपको बोलूं कि रावण की लाइफ को अगर आप के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है या नेगेटिव पॉइंट्स है, आप उनमें से ज़्यादा किसको फॉलो करेंगे, मतलब आपको क्या लगता है पॉजिटिव पॉइंट्स को हम लेके चल सकते हैं लाइफ में या नेगेटिव पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि नहीं हमें रावण को फॉलो ही नहीं करना चाहिए हमें? ऑब्वियसली उसको फॉलो करना चाहिए, रावण ज्ञानी था, ऐसा नहीं है कि एक चीज अगर उसमें खराब हो गई तो इसलिए पूरा खराब हो गया, ऐसा हाँ, नहीं है। ऑब्वियसली उसके जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे, अच्छी बातें थी, आप उसको फॉलो करो आपका जीवन सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ऑब्वियसली उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ बस कुछ खामियां हर किसी में होती है, वो भी इंसान ही था तो स्वाभाविक उसको कुछ खामियां उसने भी निकाली। अच्छा, काफी अच्छा है, बेहतर है, बहुत बढ़िया, मुझे सही बहुत पसंद आया। ठीक है, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू कॉल करने के लिए, थैंक यू बात करने के लिए। आज लगता है मैं अपना चेहरा देखकर उड़ गया था। तो आपको तो पता ही चल गया कि कौन जीता और कौन हारा। वैसे आपका क्या कहना है इस शो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये शो अभी भी नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके कुकू एफएम पर सुनो, शो का नाम है
रावण अ डिवोटी और अ डीमन? बिल्कुल। थैंक यू।